हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? गुड। चलिए अब शुरू करते नेक्स्ट चैप्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ओके, तो पहले मैं पूरा आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर कैसे होती है ना। एक्चुअल मैं आपको पोर्ट पे लेके चलूंगा, जैसे मुंबई पोर्ट पे हम जाएंगे, और जाएंगे मतलब फिजिकली नहीं जाएंगे रे, हाँ एग्जाम्पल में मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा कि हम लोग कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर होती है, और वहां पे गुड्स आने के बाद उसका क्लियरेंस कैसे इंडिया में होता है। तो पूरी प्रोसीजर मैं आपको अब समझाऊंगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। तो मैं ब्रीफ में पहले आपको पूरा समझा देता हूं, और फिर हम लोग सेक्शन वाइज एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, राइट? बड़ा मजा आएगा आपको। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं। ओके, चलो देखो, ये आपका इंडिया है जैसे कि आपको मालूम है। ओके, अब यहां टेरिटोरियल वाटर, दूसरी कंट्री जापान, जापान से शिप निकली और यहां पे इंपोर्टर है इंडिया में कहीं, मान के चलो नागपुर में इंपोर्टर बैठा हो। ओके, सो नागपुर का मिस्टर आशीष, मिस्टर आशीष ऑर्डर टू जे ऑफ जापान, मिस्टर जे प्लीज सेंड 100 पेयर ऑफ शूज, राइट? आशीष ने जापान वाले को ऑर्डर दिया कि आप मुझे 100 पेयर ऑफ शूज भेजिए। ओके, जापान वाले ने ये पूरे शूज शिप में लोड कर दिए, है ना? अपन कोई भी मोड से देख सकते हैं। देखो गुड्स इंपोर्ट तीन मोड से हो सकते हैं बेसिकली, या तो गुड्स इंपोर्ट हो सकते हैं बाय एयर या वाटर या फिर लैंड मोड से। तो हम पहले बात करते हैं वाटर मोड की, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके, देखो तो आशीष ने ऑर्डर किया जापान वाले को, और जापान वाले ने गुड्स भेज दिया कहां? इंडिया की तरफ। ओके, अब गुड्स जब इंडिया की तरफ आए, आपको मालूम है यहां पे एक ऑफिसर खड़ा रहता है जिसका नाम है सेक्शन 12। सेक्शन 12 ने इसको रोका, वेट 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 मिस्टर आशीष, यू हैव टू पे द ड्यूटी। बोला आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। मिस्टर आशीष बोले मालूम है ड्यूटी पे हो जाएगी, हमें गुड्स अंदर लेके जाना है। ओके, तो यहां से सबसे पहला पॉइंट चालू होता है, अब ध्यान से सुनना, यहां से शुरू हो गई अब प्रोसीजर। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, गुड्स जो भी शिप में है या व्हीकल में है या फिर एयरक्राफ्ट में है, वो एयरक्राफ्ट शिप या वेसल, इट शुड बी लैंड एट अप्रूव्ड कस्टम स्टेशंस या कस्टम पोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन। अगर गुड्स व्हीकल से आए तो जो अप्रूव्ड लैंड कस्टम स्टेशन है वहीं पे गुड्स अनलोड होंगे, अगर गुड्स शिप से आए तो अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट पे ही होंगे, और एयरक्राफ्ट से आए तो अप्रूव्ड एयरपोर्ट पे ही होंगे। तो आप कहने का मतलब आप कहीं भी गुड्स को अनलोड नहीं करवा सकते, है ना? वो रुकना कहां पे चाहिए? प्रॉपर अप्रूव्ड लैंड कस्टम स्टेशन पे ही रुकना चाहिए। कहीं पे भी गुड्स कैरिंग शिप या एयरक्राफ्ट या व्हीकल कहीं भी नहीं रुक सकती। ओके, गुड। सवाल ये उठा, सर ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ गया, जैसे मान के चलो कोई तूफान आ गया या फिर सुनामी आ गया, क्या ऐसे केस में भी गुड्स मतलब वेसल या व्हीकल या एयरक्राफ्ट कहीं भी नहीं रुक सकता? तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है, पेवकूप जैसे बात कही है, कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और वहां पे आप उन शिप्स एयरक्राफ्ट या व्हीकल को रुकवा सकते हो। अब इतना पहले तूफान आ गया, सुनामी आ गया, और उसके चक्कर में हम पहले क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे और फिर गुड्स को अनलोड, वो एयरक्राफ्ट या शिप को या फिर व्हीकल को वहां पे रुकवाएंगे। ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती। एनीवेज थ्योरी में दिया है, हम लोगों को पढ़ना है। गुड, तो देखो अब अप्रूव्ड स्टेशन पे ही शिप को रुकना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां पे एक डॉक्यूमेंट, ये मास्टर ऑफ वेसल जो रहेगा, मास्टर ऑफ वेसल मतलब जो वेसल चलाने वाला है, मास्टर ऑफ वेसल, ये मास्टर ऑफ वेसल को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। किसको? ये ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को। उस डॉक्यूमेंट का नाम है बेटा IGM, IGM का लॉन्ग फॉर्म है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या
इसी को देखो दोनों कभी कभी आईजीएम मिलेगा या कभी इसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलते इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अभी क्या होता है मैं बताता हूं सब आपको, पहले आप समझ लो ये मास्टर ऑफ वेसल जो है या एयरक्राफ्ट का पायलट ये आईजीएम और इंपोर्ट मैनिफेस्ट दिस हैज टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में आपको सबसे पहले क्या सबमिट करना पड़ेगा बेटा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ओके ये क्या होता है दो मिनट रुको। अब उसके बाद अगर गुड्स लैंड मतलब व्हीकल से आए तो यहां पे इस आईजीएम की जगह उसका दूसरा नाम है जिसका नाम है इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट रिपोर्ट करके एक डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है। तो अगर गुड्स वेसल या फिर एयरक्राफ्ट है मतलब शिप या एयरक्राफ्ट है तो आपको सबमिट करना इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या उसी को अपन इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। और अगर गुड्स व्हीकल से है तो उस केस में आप इंपोर्ट रिपोर्ट को सबमिट करोगे। राइट गुड इतना समझ गया आपको। अब ये जो दो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस एक्ट 2014 ने अमेंडमेंट लाके बोला था ये दोनों डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पेपर फाइलिंग इन डॉक्यूमेंट्स की नहीं चलेगी, इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना। राइट अब ये डॉक्यूमेंट होते क्या है ये भी समझना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट में आईजीएम में या आईआर में वो पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है कि कौन कौन से गुड्स आपके शिप में या आपके वेसल आपके एयरक्राफ्ट में या आपके व्हीकल में है। ये पूरी इंफॉर्मेशन किसमें दी रहेगी आईजीएम। जैसे आपके शिप में है गोल्ड या फिर सिल्वर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड सो ऑन। ये पूरी डिटेल आपकी कहां दी रहेगी बेटा आईजीएम में या आईआर। आईजीएम या आईआर ये दोनों में से किसी में भी जो भी आप सबमिट करोगे उसमें ये पूरी डिटेल्स दी रहेगी कि आपके शिप में या वेसल या एयरक्राफ्ट में या व्हीकल में कौन कौन से गुड्स और नंबर ऑफ पैसेंजर्स प्रेजेंट है। ये पूरी डिटेल यहां पे आपको दी रहेगी। ओके चलो गुड। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट शोइंग कि आपने जो गुड्स लाए हैं इंडिया में कौन कौन से गुड्स आपने लाए हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स में दी रहेगी। ओके अब अगर सब कुछ प्रॉपर है तो ये जो ऑफिसर है ये ऑफिसर आपको यहां एंट्री इनवर्ड दे देगा। एंट्री इनवर्ड अब जैसे ही एंट्री इनवर्ड मिल जाएगी आप आपकी शिप को अंदर इंडिया में ला सकते हो। एंट्री इनवर्ड जिसको हम कहते हैं। ओके तो एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद ये शिप आगे बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है देखो यहां पे थोड़ा सा इसको दूर लेता हूं तो आपको जल्दी से समझना आएगा। ओके गुड एंट्री इनवर्ड मिल जाएगी। एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद यहां पे एक एरिया रहता है जिस एरिया का नाम है बेटा डॉक, जेटी या बर्थ प्लेस। स्पेलिंग देखा बी ए आर टी एच बर्थ बी आई आर नहीं बर्थ रेलवे बर्थ हो गया होते ना वैसे बर्थ प्लेस। तो शिप एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद यहां पे आ जाएगी। शिप को यहां रुकवाया जाएगा। ओके शिप यहां रोकने के बाद क्या होता है देखो अब शिप यहां एक बार रुक गई अब इसमें से गुड्स को अनलोड करवाना है। ओके गुड्स यहां से अनलोड हो जाएगी। सर इस एरिया में अगर जगह नहीं रही प्रॉपर प्लेस अगर जगह वहां पे नहीं है तो क्या किया जाएगा। मतलब क्या जैसे देखो क्या आपके आर यू द ओनली इंपोर्टर जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। नहीं ऐसे बहुत सारे इंपोर्टर्स होंगे जो इन गुड्स को इंपोर्ट करके ला रहे तो उनके भी शिप्स यहां पे खड़े होंगे। और ये शिप मतलब आपको इसे बहुत छोटी शिप लग रही क्या नहीं ये बहुत बड़े बड़े शिप होते लाइक इमेजिन द शिप लाइक टाइटैनिक कितनी बड़ी शिप है लाइक लोग
मैंने सिर्फ शिप को इमेजिन करने के लिए कहा. कुछ लोग और भी करे नहीं. हाँ गुड, गलत बात. चलो बैक टू द टॉपिक. हाँ तो ये जो शिप है ये शिप बहुत बड़ी बड़ी रहती. तो बहुत बार होता यूं है बेटा कि इन शिप ये बर्थ प्लेस पे या ये डॉक पे या ये जेटी पे जगह नहीं रहती है, प्लेस नहीं रहती. तो ऐसे केस में क्या होता है, इन शिप को कहीं और रुकवाया जाता है, कहीं और रुकवाया जाता है, बड़ी शिप है रुकवाया गया. या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि देखो ये शिप में बहुत सारे कार्गो है, बहुत सारे कार्गो है. अब उसमें से एक छोटा सा कार्गो आपको इंडिया में लाना है ना. वो छोटा सा कार्गो इंडिया में लाने के लिए इतनी बड़ी शिप वहां पे लेके जाना पॉसिबल नहीं. तो इसलिए क्या होता है कि ये जो ऑफिसर है यहां पे अंदर इंडिया में जो कस्टम ऑफिसर है, ये एक छोटा शिप भेजेगा और ये छोटा शिप, ये छोटे शिप में ये गुड्स को अनलोड किया जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो गुड्स है जिनको जगह नहीं मिली वो गुड्स, या फिर एक छोटा सा कार्गो अगर आपको इंडिया में लाना है तो छोटा सा, छोटे कोई ज्यादा बड़े आइटम्स नहीं है, वो आइटम्स को इंडिया में लाना है, तो ये छोटी शिप यहां पे आएगी और वो छोटी शिप में पूरे गुड्स अनलोड हो जाएंगे और फिर ये छोटी शिप यहां पे चले जाए. ओके तो ये शिप जो चलती है ये बोट नोट रेगुलेशंस के तहत, या बोट नोट भी इसे बोलते हैं, बोट नोट, बोट नोट रेगुलेशंस करके है. तो बोट अपन देखेंगे उसको आगे. तो ये बोट नोट रेगुलेशंस के तहत ये छोटी शिप यहां पे आके इन गुड्स को कैरी कर ले. राइट, जनरली ये पेरिशेबल आइटम्स या फिर एनिमल्स के लिए ये प्रोविजंस होते हैं. जैसे देखो आपने कोई एनिमल इंपोर्ट किया, कहां से? यूएस से. डोंकीज गधे इंपोर्ट की, यूएस डोंकीज. तो यूएस से आपने डोंकीज इंपोर्ट किए, अब वो शिप यहां पे आ गई. अब यहां पे तो जगह है नहीं, ये पूरे डॉग जेटी और बर्थ प्लेस पे यहां कहीं पे भी जगह है नहीं. तो फिर ऑफिसर ने बोला आप है ना, तो आपकी शिप कहीं और रुकवा लो. तो जो मास्टर ऑफ वेसल था वो बोला अरे साहब मेरे शिप में डोंकीज है, गधे है, एग्स है, मिल्क है, इतने सारे पेरिशेबल आइटम्स और भी है, अगर आप ये शिप के गुड्स को क्लियर नहीं करेंगे तो ये सब खराब हो जाएगा, ये आइटम पूरे खराब हो जाएंगे. तो ऐसे केस में ये ऑफिसर ये छोटी शिप बोट नोट भेज के आपके ये पेरिशेबल आइटम्स या एनिमल्स को क्लियर करवा सकते. तो पहले इन गुड्स को क्लियर करवाया जाएगा और फिर ये बाकी गुड्स को ये कस्टम पोर्ट्स पे लाया जाएगा, ऐसा भी प्रोविजन होता है. ओके तो ये शिप बाहर कितने दिन तक खड़ी रह सकती है बेटा? तो देखो मैक्सिमम 5 days तक, मतलब 5 दिन में यहां पे उसको जगह करके ही देना पड़ता है. विद इन 5 days ये शिप को यहां पे जगह करके देना पड़ेगा और फिर बाकी गुड्स वहां पे अनलोड हो जाएंगे. हिटिंग द पॉइंट? ओके चलो यहां तक रिवाइज करते एक बार फिर आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले शिप आएगी, शिप आने के बाद मास्टर ऑफ वेसल कहीं पे भी शिप को या वेसल को, मैंने बताया आपको, कहीं पे भी नहीं, लैंड कस्टम स्टेशन पे ही रुकवाना पड़ता है. उसके बाद हमने देखा आईजीएम या आईआर इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल और आईजीएम इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट के केस में सबमिट करना पड़ता है. उसके बाद क्या होता है बेटा, डॉग जेटी बर्थ प्लेस पे शिप आ जाती है, अगर वहां जगह नहीं है तो शिप को बाजू में रुकवाया जाता है और अगर पेरिशेबल आइटम्स या फिर कोई एनिमल्स है तो उनको बोट नोट के रेगुलेशंस के तहत वो आइटम पहले अनलोड करवाए जाएंगे. ओके गुड गुड. और विद इन 5 days शिप को जगह करके ही देना पड़ेगा, उसको डॉक चिट्टी या बर्थ प्लेस पे लाना पड़ेगा. राइट चल आगे देखो क्या होता है. अभी शिप आ गई, अब मैं पूरा प्रोसीजर आपको पहले समझा देता हूं 2 मिनट में. ओके अब एक बार शिप आने के बाद यहां पे डॉग जेटी बर्थ प्लेस पे, एक बार शिप आपके आ गई यहां पे आ गई, तो गुड्स को अनलोड किया जाएगा. ओके अनलोड करते समय ये गुड्स को अनलोड करते समय क्या इंपोर्टर खुद अनलोड करेगा या मास्टर ऑफ वेसल करेगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. तो इन गुड्स को अनलोड करवाने में मदद करते हैं बेटा कस्टम हाउसिंग एजेंट्स, जिन्हें मैं कहता हूं शॉर्ट में कहते हैं अपन CHA, कस्टम हाउसिंग एजेंट्स. कस्टम हाउसिंग एजेंट्स इन गुड्स को अनलोड करते हैं. ओके राइट, CHA. ओके अब देखो
अब इसके बाद क्या होता है वो प्रोसीजर में पूरी आपको समझाता हूं। कस्टम हाउसिंग एजेंट्स ना, अब ये इंपोर्टर बैठा हुआ है नागपुर में, ये इंपोर्टर, इंपोर्ट एक्चुअल इंपोर्टर ऑफ द गुड्स। अब ये क्या होता है कि मान के चलो ये शिपिंग कंपनी है, ये शिपिंग कंपनी, इसका इसका नाम है स्टार शिपिंग कंपनी, स्टार शिपिंग कंपनी। अब ये कंपनी क्या क्या करती है, इसका एक ऑफिस इंडिया में भी है, स्टार शिपिंग कंपनी का एक ऑफिस इंडिया में भी है, राइट। तो ये जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंटर करती है तो इमीडिएट इसका मास्टर ऑफ वेसल जो है वो इंपोर्टर को इन्फॉर्म कर देगा कि देख इंपोर्टर मेरी शिप टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ रही है, आप मुंबई पोर्ट पे आ जाओ और गुड्स को क्लियर करो। ये किसने बताया बेटा, मास्टर ऑफ वेसल ने इंपोर्टर को इन्फॉर्म कर दिया। अब हो सकता है कि इंपोर्टर टाइम पे ना पहुंचे, मतलब मान के चलो 10 तारीख को ये शिप अंदर आ गई यहां पे 10 जनवरी को, और इंपोर्टर कुछ कारण की वजह से 10 तारीख के जगह 15 तारीख पे पहुंच गया, 15th को मुंबई चलेगा, 10th जनवरी को नहीं जा पाया वो 15th जनवरी को चलेगा। तो ऐसे केस में क्या 5 दिन आपके गुड्स, ये जो गुड्स है क्या ये 5 दिन ये गुड्स को अनलोड नहीं किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपके पीछे बाकी शिप्स भी है तो इनको अनलोड तो करवाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो ऑफिस गवर्नमेंट ने बोला है कि यहां पे एक हमारी अथॉरिटी रहेगी जिसका नाम है पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जिनको हम बोलते हैं पीटीए। देखो ये सब नई नई टर्मिनोलॉजीज है, आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, मैं पूरा एट ए ग्लांस आपको फिर समझा दूंगा तो आपको पूरा पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाएगी, वेरी इंटरेस्टिंग ओके। तो ये पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो रहती है, जैसे ही गुड्स अनलोड हो जाते हैं इनके कब्जे में गुड्स आ जाते हैं, इनके कस्टडी में गुड्स आ जाते हैं, किसके, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। अब इंपोर्टर वहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा बेटा, इंपोर्टर मुंबई पोर्ट पे पहुंचेगा। वो इंपोर्टर को कितने दिन में वहां पहुंचना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जिस दिन आप आपके गुड्स अनलोड हो जाएगी या कस्टम पोर्ट पे आ जाएंगे वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इंपोर्टर पहुंच जाना चाहिए और इंपोर्टर ने अपने गुड्स को क्लियर कर लेना चाहिए। अगर इंपोर्टर 30 डेज के अंदर अंदर गुड्स को क्लियर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा सर, ये गुड्स का क्या हो जाएगा, मतलब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास गुड्स है और कुछ कारण की वजह से, जैसा आशीष, आशीष इज इंपोर्टर, अब मान के चलो मेरी बैच चालू है ना, मेरी रनिंग बैच है और आप तो जानते हो मेरे लिए स्टूडेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस गुड्स, है ना। तो मैंने सोचा कि मेरी 1.5 महीने की बैच है ये पूरी खत्म करके ही मैं मुंबई जाऊंगा, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। तो फिर उन्होंने बोला देखो अगर आप, अगर इंपोर्टर ये विद इन 30 डेज गुड्स को क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो ऑफिसर जो रहेगा वो एक गाना गाएगा, देखो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर इंपोर्टर की, अब हमें है यकी, बेवफा नहीं डिफॉल्टर है यही, क्यों ना हो फिर वजह गुड्स को बेचने की। समझ गया आप, मतलब इंपोर्टर गाना गाएगा विद इन 30 डेज, अगर इंपोर्टर नहीं सॉरी ऑफिसर गाना गाएगा और इंपोर्टर अगर विद इन 30 डेज वहां नहीं पहुंचा तो ये गुड्स को हम क्या कर देंगे बेटा, सेल ऑफ कर देंगे, ऑफिसर सेल ऑफ कर देगा और ये गुड्स पूरी तरीके से ऑक्शन किए जाएंगे और अपनी ड्यूटी ऑफिसर रिकवर कर लेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, हाँ। लेकिन सवाल ये उठा, अगर ये गुड्स में, ये शिप में जो आईटी है, ये शिप में कोई गुड्स है जो पेरिशेबल आइटम्स है या एनिमल्स है, तो मान के चलो किसी ने नाग इंपोर्ट किया, सांप है ना, तो सांप इंपोर्ट किया तो क्या 30 दिन तक उसको कस्टम पोर्ट पे रखेंगे क्या, वो चालू करेंगे ना, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, कौन पिलाएंगे दूध, है ना, क्या कस्टम ऑफिसर दूध पिलाएंगे उसको, या डोंकीज इंपोर्ट किए डोंकीज को खाना खिलाएंगे कस्टम ऑफिसर, नहीं। तो अगर पेरिशेबल आइटम्स है या एनिमल्स है तो उनके केस में ये 30 डेज की लिमिट नहीं है,
उनके केस में ये गुड्स ऑफिसर एक रीजनेबल नोटिस दे, मतलब एक रीजनेबल पीरियड की नोटिस दे देगा इंपोर्टर को, और उसके बाद इमीडिएट गुड्स को ऑक्शन कर सकता है, सेल ऑफ कर सकता है. गेटिंग द पॉइंट? वेरी सिंपल. ओके, हाँ. तो इंपोर्टर अगर यहां पे पहुंच गया, मान के चलो टाइम के अंदर इंपोर्टर मतलब 30 डेज के अंदर अगर वो यहां पे पहुंच गया तो फिर क्या होता है. अच्छा, इससे पहले मैं एक दो पॉइंट और बता दूं. ध्यान दो, ये जो गुड्स अनलोड होंगे ये गुड्स हॉलीडेज पे अनलोड नहीं होंगे, मतलब वर्किंग डेज में ही अनलोड होंगे, क्योंकि कस्टम ऑफिसर वर्किंग डेज में काम करेंगे. बराबर? ओके. अब ये गुड्स अनलोड होने के बाद ये जो इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर यहां पहुंचेगा, मुंबई पोर्ट पे पहुंचेगा. अब मुंबई पोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, देखो, ये इंपोर्टर, ये पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ओके, और ये इंपोर्टर ये यहां पे आया, मुंबई पोर्ट पे इंपोर्टर आया. अब ये इंपोर्टर क्या करता है, ध्यान दो, ये इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री. अभी बिल ऑफ एंट्री क्या है, देखो सिंपल, वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर से एक बार बताता हूं. बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट, जैसे आपका बैंक स्लिप होता है. आप बैंक में जाते हो, आपको पैसे डिपॉजिट करना है बैंक, तो क्या होता है, आपको एक डिपॉजिट स्लिप भरना पड़ता है. बराबर? और वो डिपॉजिट स्लिप में आप अमाउंट डालते हो, कितने रुपए के नोट है वो डालते हो, और फिर उस स्लिप के साथ पैसे देके कैशियर के पास आप बैंक में डिपॉजिट करते हो पैसा, वो आपके अकाउंट में चले जाता है. वैसे ही ये बिल ऑफ एंट्री होता है. वैसे क्या होता है, देखो, ये बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट, इस तरीके का होता है. मैं बता दूं आपको, आपने कौन कौन से गुड्स इंपोर्ट किए, जैसे सीरियल नंबर, फिर नेचर, गुड्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ गुड्स, फिर उसकी वैल्यू क्या है, फिर उसका कस्टम ड्यूटी का रेट क्या है, और लास्ट में उसकी ड्यूटी कितनी, ये सब चीजें दी. जैसे एग्जांपल, आपने शूज इंपोर्ट किए, शूज उसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, राइट, कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर 10%, तो आपको कितना ड्यूटी भरना पड़ेगा, 10,000. तो ये कस्टम ऑफिसर को ये आपको बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा, दिस इज बिल ऑफ एंट्री, और ये बिल ऑफ एंट्री बना के उसके साथ ड्यूटी आपको मतलब कैश या बैंक से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, इससे पहले की प्रोसीजर क्या होती है, देखो, अब ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ये जो इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ये ऑफिसर के पास दे देगा. ये बिल ऑफ एंट्री पूरी फाइल करेगा, ऐसे शूज इंपोर्ट किए, कितने रुपए की वैल्यू है, क्या है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ऑफिसर के पास दे देगा. अब ऑफिसर क्या करेगा, इस बिल ऑफ एंट्री को देखेगा जो इंपोर्टर ने फाइल की, और उसके पास जो गुड्स आए, उसके पास गुड्स अनलोड हो क्या है, उन गुड्स को चेक करेगा बिल ऑफ एंट्री के साथ. इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर ये ऑफिसर क्या करता है बेटा, ये बिल ऑफ एंट्री, ये जो बिल ऑफ एंट्री है, ये बिल ऑफ एंट्री ये इंपोर्टर को रिटर्न करता है. सर, ये रिटर्न क्यों करेगा, अरे अभी पेमेंट कहां हुआ, अभी तो सिर्फ चेकिंग हुआ, बिल ऑफ एंट्री का चेकिंग हुआ, तो ये बिल ऑफ एंट्री का चेकिंग करके ये ऑफिसर ये बिल ऑफ एंट्री को इसको रिटर्न करता है. और ये जिस दिन रिटर्न होगी, मान के चलो ये उसको रिटर्न, एग्जाम्पल के साथ बता दो पूरा आपको, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड बाय इंपोर्टर टू ऑफिसर, ये की मान के चलो 1 जनवरी 2018 को, फिर ये बिल ऑफ एंट्री चेक करेगा ऑफिसर, ऑफिसर रिटर्न्ड बिल ऑफ एंट्री टू इंपोर्टर लेट्स से ऑन 5th January 2018 को, 5 जनवरी को रिटर्न कर दिया ना, पूरा चेकिंग होने के बाद. अब रिटर्न होने के बाद जिस दिन वो रिटर्न हो गई, उसके नेक्स्ट डे के अंदर अंदर ये इंपोर्टर को वो पेमेंट, 10,000 रुपए का जो पेमेंट है वो पेमेंट करना पड़ेगा, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हो जाए. देखो, आपने फाइल किया हुआ दिन नहीं, क्योंकि आपने फाइल किया हुआ दिन होगा तो फिर तो अगर ऑफिसर को लेट हुआ तो हम क्या करेंगे भाई. तो जिस दिन ऑफिसर चेक करके हमको रिटर्न देगा,
उस दिन के नेक्स्ट डे के अंत तक एंड तक आपको उस ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब आपको पेमेंट कब करना है, पेमेंट टू बी मेड बाय इंपोर्टर कब तक करना पड़ेगा बताओ, 6th जनवरी 2018 तक, अनलेस दिस 6th जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे. अगर ये हॉलीडे होगा तो फिर ये डेट हो जाएगी 7th जनवरी 18. ओके, आपके समझ में आ गया बेटा? यस, गुड. अगर आप नहीं करते हो पेमेंट टाइम पे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट है 15% पर एनम का. ओके, अपन देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे अपन. 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके गुड. ये पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उसने हमें चेक करके रिटर्न कर दिया. रिटर्न होने के बाद हम अब क्या करेंगे, इस गुड्स का, इन गुड्स का पेमेंट करेंगे, और फिर ये गुड्स हम कहां लेके जाएंगे बेटा, होम कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन के लिए. ओके, तो अगर आपको गुड्स होम कंजम्पशन के लिए नहीं ले जाना है, मतलब ही आपको मालूम है आपके पास दूसरा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, वेयर हाउसिंग का, तो आप ये गुड्स को वेयर हाउस भी कर सकते हो. उस केस में आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ता है जिसका नाम है वेयर हाउसिंग बॉन्ड. इसको हम लोग डिटेल में वेयर हाउसिंग चैप्टर में देखें, राइट. तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है, तो बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके वो ऑफिसर आपको रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करने के बाद आपको फर्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे उसका डे, वो दिन होने के बाद का नेक्स्ट जो डे जो रहेगा उस दिन आपको पेमेंट करना. ओके गुड, वेरी गुड. तो यहां तक हम लोग पहले रिकॉल कर लेते और फिर अब एक्चुअल प्रोसीजर पढ़ने के लिए शुरुआत करें, राइट. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बेटा कि गुड्स आएंगे, गुड्स आने के बाद मास्टर ऑफ वेसल आईजीएम या आईआर फाइल करेगा, शिप को रोका जाएगा डॉक जेट्टी बर्थ प्लेस पे, अगर जगह नहीं है तो, और जगह नहीं है तो उसको बाजू में रखेंगे. अगर आपके शिप में एनिमल पेरिशेबल आइटम्स है तो फिर वो बोट नोट रेगुलेशन के तहत एक छोटी शिप भिजवा के गुड्स को क्लियर किया जाएगा. कस्टम हाउसिंग एजेंट्स रहेंगे जो गुड्स को अनलोड करेंगे. पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास आपके गुड्स रहेंगे, आप वहां पे जाएंगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना है बताया, और वो फाइल करके आप गुड्स को क्लियर करें. इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे. ये जो 15% बताया मैंने, फिर बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना वो भी देखेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर. थैंक यू सो मच.